हेलो गाइस, ये है सीधी जिला का स्टेट बैंक मेन ब्रांच, जिसमें सभी प्रकार के काम किए जाते हैं। लेन देन संबंधी, बीमा, पेंशन, सभी कार्य किए जाते हैं। ये है मेन ब्रांच, सीधी जिला में स्थित है, स्टेट बैंक का मेन ब्रांच है। और इसमें हाँ गाइस, यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। हाँ गाइस, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ये देख रहे हैं मेन ब्रांच का, ये मेन गेट है, सीधी जिले में स्थित है और ये सामने से इस प्रकार दिखता है। इसके अगल बगल का नज़ारा देख रहे हैं और इसके सामने जो है इस प्रकार दिखता है। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जैसे देख सकते हैं, और ये कुछ मैनेजर लोगों का ये कार खड़ी है देख सकते हैं, और ग्राहक लोग आ रहे हैं। इतना इसके आसपास पेड़ पौधे भी लगे हैं देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। अगल बगल ये आप देख सकते हैं, इसके अगल बगल घर भी हैं। ये जो है बैंक का पीछे का नज़ारा है, इस प्रकार दिखता है। दोस्तों, आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, देखिए सामने से ऐसा दिखता है। और अभी कुछ देर बाद हम अंदर भी जाएंगे और अंदर का नज़ारा भी देखेंगे, किस प्रकार अंदर का नज़ारा है। वीडियो को बने रहें, वीडियो पूरा देखें लास्ट तक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। देखिए मेन ब्रांच के सामने किस प्रकार नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से दिख रहा है। सब लोग आ रहे हैं, गाड़ी खड़ा कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ देर बाद जाएंगे अंदर, इस बैंक के अंदर। ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अंदर। यह है बैंक के अंदर का नज़ारा, देखिए कितने शानदार तरीके से दिख रहा है। ये सभी लोग ग्राहक इकट्ठा हुए हैं, अपना काम करवा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे खाता खुलाना, पेंशन, बहुत सारे काम होते हैं कि जैसे खाता बंद हो गया तो चालू भी करवाते हैं। देखिए कितना मस्त नज़ारा है, पंखे भी लगे हैं, लाइट भी लगी है, एसी भी लगी है। जैसे एसी है, एसी आप देख सकते हैं, ये रुकिए हम दिखाते हैं एसी। अगल बगल एसी लगे हैं, एसी देख सकते हैं, ये एसी हो गया। दर्शकों को ठंड मिलती है, मतलब ग्राहकों को। यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है, देख सकते हैं आप, यहाँ आएंगे तो पता चलेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्या है,
चलो देखते हैं, चलो बोल करते हैं। जैसे कि आप देख ही चुके हैं, चलिए ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो हाय गाइस, हम एक बार फिर आ चुके हैं बाहर, बैंक के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं बैंक के बाहर कैसा नज़ारा है, मस्त बढ़िया नज़ारा है। और ये देखिए जहाँ पर गाड़ी पार्किंग की सुविधा है वहाँ पर हम खड़े हैं, इसलिए गाड़ियाँ आ रही हैं और गाड़ी खड़ी हो रही है। देख सकते हैं यहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं जो मैनेजर की हो सकते हैं या कुछ ग्राहकों के भी हो सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कितने बहुत सारे गाड़ियाँ हैं। ये बैंक के पार्किंग का स्थान है, इसमें गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। क्या कहते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, वीडियो पूरा देखना और हम आपको और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। सीधी ज़िले का ये मेन मेन जगह है, उन सभी जगहों को दिखाएंगे हम आपको। वीडियो पूरा देखना, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। आपको हम कई जगह दिखाएंगे, अच्छे अच्छे जगह दिखाएंगे। देखिए अब हम जा रहे हैं और भी जगहों पर जा रहे हैं, जो अच्छी अच्छी जगह हैं वहाँ पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। वीडियो पूरा देखना, वीडियो में बने रहना और ये जो सामने देख रहे हैं कुछ दुकानें, यहाँ पर KYC करवाने आते हैं। बहुत सारी दुकानें हैं KYC के लिए, वहाँ से भेजा जाता है कि KYC करवाने के लिए तो यहाँ आते हैं लोग। और यहीं से KYC करके और बैंक में जाते हैं। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, आपका एक लाइक तो हमारा हौसला बढ़ाता है। यहाँ पर गाड़ी की दुकान है, यहाँ पर स्कूल है, देख सकते हैं। यहाँ अभी छुट्टी हुआ है स्कूल में, और कौन सा स्कूल है जो सुना पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, अभी बच्चों को छुट्टी हुआ अभी स्कूल के, अभी जस्ट जा रहे हैं लोग और बच्चे जा चुके हैं। फर्नीचर की दुकान है आसपास, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, हम आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे। और अब जा रहे हैं अपने दुकान की ओर। यह जो पार्क है, हम पार्क की ओर जा रहे हैं, जो सीधी ज़िले का सबसे बड़ा पार्क है, इसका नाम है छत्रसाल स्टेडियम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर है छत्रसाल स्टेडियम। छत्रसाल स्टेडियम ये देखिए, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है छत्रसाल स्टेडियम। ओ आप देख सकते हैं, देखिए हम इधर से बैंक तरफ गए थे और यहाँ से लौटे हैं, और यहीं सामने आप सीधी जिले का स्टेडियम है जो सबसे बड़ा है। यहाँ 15 अगस्त मनाते हैं और क्रिकेट उर्केट जो भी खेल कूद होता है सब यहीं होता है। देखिए कितना बड़ा है दोस्तों, आपको और अच्छे अच्छे जगह दिखाएंगे। आप वीडियो पर बने रहना लास्ट तक और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये देखो बच्चे अभी भी खेल रहे हैं,
हालांकि अभी तो दोपहर का समय है तो अभी कम भीड़ है। अब जब कुछ प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होगा, तो बहुत भीड़ होता है यहाँ, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी और खेलकूद संबंधी यहाँ बहुत भीड़ होता है। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको अच्छे और भी अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे, वीडियो को पूरा देखना। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो को बने रहना, अभी और अच्छी जगह दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है स्टेडियम का गेट, बहुत ही बढ़िया गेट है, एक कम से कम जितना बड़ा है आप देख ही सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे भी हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इसके आसपास दुकान भी है। और दोस्तों आप वीडियो पर बने रहें, आपको अच्छे अच्छे और जगह दिखाएंगे। चलिए दिखा रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपको और भी अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे दोस्तों। चलिए अब कुछ और अच्छी अच्छी जगह पर चलते हैं, वीडियो पर बने रहना। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं दूसरे रोड पर, यानी कि उस बैंक से 100 मीटर दूर। हाँ जी, हम मान सकते हैं 100 मीटर दूर आ चुके हैं। यहाँ पर जो है नहर, ये जो नहर है ये सूखा नाला वाला नहर बोलते हैं। यहाँ पर पानी उससे गंदा है, कोई साफ सफाई नहीं किया गया है। हालांकि कुछ पेड़ पौधे भी उगे हुए हैं, चाहे ये कमल हो या कि और कुछ। अभी इसका अभी भी रोड का निर्माण किया गया, इसमें अभी उतना खास नहीं है। ये जिसमें हम चल रहे हैं ये इसका निर्माण हो गया अभी, ये पुराने वाला रोड है, पुल है यहाँ पर। वो जो पानी गिर रहा है उसमें नया बनाया गया है। और पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कैसा है। चलिए हम और भी अच्छे अच्छे दिखाएंगे, आप वीडियो पर बने रहने। ये देखिए दोस्तों, ये जो नया बना है वो नदी के बगल में, जो सूखा नाला नदी है उसके बगल में जो बना है ये रोड, इस प्रकार दिखता है। तो जो पुराना वाला रोड है ये बनेगा अभी, इसमें काम चालू है। हम आपको और अच्छे से जगह दिखाएंगे। यहाँ जो रास्ता है, यहाँ पर कॉलेज जाते हैं, जैसे संजय गांधी GDC कॉलेज, जो लड़कियों वाला कॉलेज है GDC, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं यहाँ आगे आपको मिलेंगे। आपको भी दिखाएंगे और भी जगह, कॉलेज की जगह और भी अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे, वीडियो पर बने रहना। आपको ले चलते हैं, यहाँ थोक विक्रेता का पुस्तक विक्रेता है, जो थोक विक्रेता में थोक में देता है। और चलिए हमको दिखाते हैं, घर बना है बहुत कौन से डिज़ाइन का है, न्यू इंजीनियर डिज़ाइन है क्या, काफ़ी महंगा लगता है घर। अच्छा भले डिज़ाइन देखकर महंगा दिख रहा है, अभी उसको पुताई लिखवाई नहीं हुआ है। ये यहाँ का रोड है, यहाँ एक कॉलोनी है, यहाँ पर आपको बहुत सारे रूम मिल जाएंगे, यानी 3-4 हज़ार के बीच, 2 हज़ार के मिल जाएंगे। आपको और भी अच्छे से दिखाएंगे दोस्तों, वीडियो बने रहना। ये तो हमारे सर का दुकान है, इसमें हमारे सर जो पढ़ाते हैं वहाँ, इलेक्ट्रॉनिक दुकान है। दोस्तों वीडियो को बने रहना, हमको दिखाएंगे आपको कितना बढ़िया नज़ारा है सीधी जिले का, ये सीधी जिले का नज़ारा।
यहाँ पर जो है आयरन शॉप है, और आप ये देख सकते हैं एक टावर है। कौन सा टावर है? जियो टावर। ज़मीन से कितना फीट ऊपर होगा आप देख सकते हैं, लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना होगा, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन आप बताइए कमेंट में। और भी हम आपको दिखाएंगे। ये है एक राजघराना सांप, देख सकते हैं राजघराना सांप, इसमें लिखा है इसमें क्या मिलता है। इसमें कुछ खिलौने मिलते हैं और बहुत सारे सामान मिलते हैं घर के, उसमें बहुत सारे हैं जैसे पोछा लगाने के लिए और बर्तन रखने के लिए बहुत सारे चीज़ इसमें रखे जाते हैं। काफ़ी बड़ी दुकान है उसकी। ये गाड़ियाँ भी चल रही हैं, स्कूल के छुट्टी होने का समय हो गया है और कुछ बच्चे आ भी रहे हैं, जिससे ये लड़की आ रही है एक साथ। और चलिए हम आपको दिखाएंगे बहुत सारी चीज़, वीडियो पर बने रहने दोस्तों, तो दिखाते हैं बहुत चीज़, ठीक है ना। इधर छोटे छोटे रूम मिलते हैं 500-1000 में, अब आपको शहरी एरिया भी दिखाएंगे। अभी के लिए थोड़ा कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, कॉलेज में हो सकता है दिखाएंगे कॉलेज का नज़ारा, और फिर बाजार का नज़ारा भी दिखाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। वीडियो पर बने रहना दोस्तों। उसके पहले तो हम बैंक गए थे, बैंक वाला नज़ारा दिखा दिए, बहुत ही बढ़िया था। और बाकी रह गया चलिए वीडियो पर बने रहना दोस्तों, और आपको और अच्छी जगह दिखाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हम एक बिल्डिंग दिखा रहे हैं सामने, हालांकि ये इस तरह की बिल्डिंग और भी हैं बहुत सारी, लेकिन आपको हम बताएंगे कि आप इसका प्राइस यानी कि बनाने की लागत जो है कितना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हो सकता है आपको। इसके अगल बगल बहुत सारी बिल्डिंग हैं, और कितना हो सकता है प्राइस? मुझे लगता है 1 करोड़ के आसपास होगा। काफ़ी मस्त है, गाड़ी भी खड़ी है और गेट भी मस्त है, डिज़ाइन भी मस्त, बहुत मस्त है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, गाड़ियाँ भी खड़ी है। ये कोई बिजनेसमैन का घर होगा शायद, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ही मस्त घर है। आपको अच्छे अच्छे वीडियो दिखाएँ, और भी आपको अच्छे अच्छे घर दिखाएंगे, और वीडियो को बने रहना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उस घर को जैसे आपने देखा, अब आपको और भी दिखाएंगे। अब आ चुके हैं मेन रोड पर। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम कॉलेज का भी नज़ारे दिखाएंगे, ये खाली ये शहर का या सीधी ज़िला का जो है ये खाली प्लाट है, यहाँ पर अभी खेती किसानी होता है, जो अरहर उड़द जैसे बोते हैं यहाँ पर। अब हालांकि कुछ दिनों बाद ये प्लाट ख़रीद लिया जाएगा, या कि कुछ खरीद भी चुके होंगे, लेकिन यहाँ अभी बनाए नहीं है घर, अब जल्द ही बनने वाले हैं घर। यहाँ आसपास कुछ बने हैं घर दोस्तों, वीडियो हम देख सकते हैं। ये पीछे का नज़ारा है, और टावर भी दिखाई दे रहा है आपको। ये सीमेंट वाला गाड़ी है, सीमेंट जा रहा है। यहाँ पर जो है पैन कार्ड बनाए जाते हैं, पैन कार्ड बनाए जाते हैं, और यहाँ कुछ लेडीज इकट्ठा हुए हैं, लगता है कुछ प्रोग्राम है, कुछ होगा कार्यक्रम। जैसे तीजा, हाँ आज तीजा का त्यौहार है। आज कौन सी तारीख है? 29-30 क्या है आज, देखना पड़ेगा।
30 अगस्त 2022। तो पिज्जे का त्यौहार जो मना रहे हैं तो इस तरह मना रहे हैं, त्यौहार कुछ लेडीज इकट्ठा हुए हैं, दे सकते हैं पिज्जे का त्यौहार मनाते हैं, इसी तरह मनाते हैं इस शहर के लोग, इसी तरह बनाते हैं। और जो गांव के होंगे तो गांव वाले उतना कम, बहुत ज़्यादा नहीं करते, हालांकि इकट्ठा होते हैं लेकिन उतना कम। ये जो सामने से एक लड़की आ रही है, गर्ल्स कॉलेज की GTS, ये हो गई अभी जो है छुट्टी हुआ है, अब आ रहे हैं, आपको अच्छे अच्छे जगह दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो पर बने रहना, ये पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, बढ़िया है, कितने शानदार तरीके से। और यहाँ खाली प्लाट है, अगल बगल मकान भी बने हुए हैं, आपको अच्छे अच्छे जगह दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो पर बने रहना, वीडियो छोड़ के मत जाना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो और भी जगह दिखाएंगे। दोस्तों ये है रमा गोविंद पैलेस, यहाँ पर शादी बारात और भी बहुत सारे जो कार्यक्रम होते हैं यहाँ आते हैं बुक करने के लिए। यहाँ बढ़िया रेस्ट हुआ है रुकने का स्थान, और शादी पार्टी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बारात वाले यहाँ आते हैं बारात के लिए, बारात के सीजन बहुत सारे यहाँ पर बुकिंग होती है। और बहुत अच्छी जगह है, आप भी शायद आइएगा कभी घूमने के लिए। चलिए चलते हैं और जगह, अच्छी अच्छी जगह देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चलिए चलते हैं। इसके अगल बगल जो है ये बाल काटने वाला है दुकान, बढ़िया है, फेमस वाला जो है। चलिए चलते हैं और जगह देखने के लिए। तो हेलो दोस्तों, ओ हम आएंगे, अब आ चुके हम कॉलेज के पास, जो बहुत ही सीधी जिले में फेमस कॉलेज है। और वो किस चीज़ में फेमस है आपको बताएंगे, वो है कंप्यूटर डिप्लोमा के लिए जो कॉलेज है, वो है CMIT कॉलेज, आपको दिखाएंगे और आगे। अभी तो बस पास है में है, आप वीडियो पर बने रहना। यहाँ पर इस कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, यानी कि अन्य कॉलेजों की अपेक्षा इस कॉलेज में ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ रहते हैं। और इसमें बहुत सारी सुविधाएँ, जैसे BCA का कोर्स, DCA, PGDCA, और यानी कंप्यूटर से संबंधित जितने भी कोर्स हैं इसमें अवेलेबल हैं। और इसके आस पास दुकान भी हैं, एक कंप्यूटर यहाँ बुक मिलती है, जब पेपर के लिए कुछ जैसे ओपन बुक पेपर आ जाए तो यहाँ पर कापियाँ मिल जाती हैं, लेकिन इस समय ओपन बुक वाला सिस्टम नहीं है, आप तो कॉलेज में ही जाना पड़ता है पेपर देने के लिए। आपको हम दिखा रहे हैं, वो रहा एक CMIT कॉलेज, और ये रहा आदर्श कन्या महाविद्यालय, ये लड़कियों का कॉलेज है, केवल लड़कियाँ रहती हैं उसमें, हालांकि एक ही प्रोफेसर का दो स्कूल है, यानी एक ही डायरेक्टर स्कूल, ये CMIT वाला और ये आदर्श कन्या, दो कॉलेज, दोनों कॉलेज को ये मतलब एक ही मालिक है। ये रहा CMIT कॉलेज, सेंट्रल मैनेजमेंट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें DCA PGDCA का कोर्स होता है, और इसमें मैं भी पढ़ा था, मेरा PGDCA था, मेरा कंप्लीट हो गया है 2022, यानी कि कंप्लीट हो गया, अनुसूची आना बाकी रह गया। और पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है इसमें, कोर्स भी बहुत सारे हैं, यह प्रचार भी लगा हुआ सामने देख सकते हैं। इसके अगल बगल कमरे यानी रूम किराए पर दिए जाते हैं। रूम
रूम है जो किराए पर दिए जाते हैं, आपको दिखाएंगे। ये देखिए अभी बन रहे हैं कुछ रूम, और वह कॉलेज और आदर्श उसके बगल में आदर्श कन्या कॉलेज यानी सिमाइटी और आदर्श कन्या कॉलेज दोनों एक ही डायरेक्टर के। तो चलिए आपको और अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे, और वीडियो को बने रहना। आप पहुंच रहे हैं एक और कॉलेज के लिए जो राजकीय कॉलेज, जैसे कि हम पिछले रास्ते पर दिखाए थे जो है सिमाइटी कॉलेज, वो तो प्राइवेट कॉलेज है लेकिन मान्यता तो शासकीय से है। माखनलाल चतुर्वेदी बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सीधी जिले के जितने भी हैं बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। आपको एक और अच्छी संस्थान दिखाएंगे बिना कंप्यूटर CPCT सेंटर, इसमें ये भी एक फेमस दुकान है, इसमें बहुत सारे लड़के आते हैं CPCT सीखने के लिए, मतलब उसका तैयारी करने के लिए, और बहुत सारे कंप्यूटर हैं देख सकते हैं। और उसके अंदर जाने की परमिशन तो नहीं है, मोबाइल नंबर भी लिखा होगा, और देख सकते हैं ऊपर का नज़ारा। और क्या कहते हैं, रुकिए हम बताते हैं आपको, यहाँ पर गाय खड़ा था लगता है मार नदी कहीं। चलिए आपको और दिखाएंगे, और भी अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे, आप वीडियो पर बने रहना दोस्तों। वो एक लड़का आ गया था वहाँ पर, तो हम थोड़ा वीडियो स्टॉप कर दिए, और चलो ठीक है वीडियो को बने रहना। यहाँ आसपास बहुत सारे कंप्यूटर की दुकान है, वो इसलिए कि यहाँ एक संजय गांधी कॉलेज है शासकीय और GDC कॉलेज भी है, इस वजह से उनको लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी खासी कमाई होगी, इस वजह से यहाँ दुकान बहुत सारे खोल गए हैं। आपको दुकान दिखाएंगे, एक मेरा दोस्त का भी यहाँ दुकान है, आपको उस दुकान को भी दिखाएंगे कौन सा दुकान है, फिर कॉलेज का भी दिखाएंगे, फिर बाज़ार पूरा दिखाएंगे। आप वीडियो को बने रहना, आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर देना, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जी हाँ दोस्तों, आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे। एक और यहाँ स्थान है, कॉलोनी है, अभी जगह प्लाट खाली है छोटा सा, अलग बड़ा भी है शहर के हिसाब से, बन जाएगा उसमें, पीछे का नज़ारा है, और देख सकते हैं दोस्तों। मेरा दोस्त एक दुकान है यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं, उसके आगे कॉलेज है शासकीय कॉलेज संजय गांधी कॉलेज, और GDC भी कॉलेज भी, GDC यानी गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज। बस यहीं पर मेरे दोस्त का दुकान है, मैं इसमें जाऊंगा और अपना काम कराऊंगा, पैन आधार जो भी हो, फीस जमा करने की प्रोसेस सब उसी की दुकान में करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये है मेरे दोस्त का दुकान, मैं पहुँच रहा हूँ, जाऊंगा अंदर। ठीक है दोस्तों, वीडियो पर बने रहना। हेलो गाइज, अब हम आ चुके हैं केंद्रीय विद्यालय, सीधी जिले के केंद्रीय विद्यालय स्कूल, ये केंद्रीय विद्यालय है शासकीय ना जी, ये शासकीय प्राइवेट केंद्रीय विद्यालय, प्राइवेट है केंद्रीय विद्यालय, अच्छा ये है केंद्रीय विद्यालय का गेट, मेन गेट, सीधी जिले के केंद्रीय विद्यालय का गेट है, अंदर जाने की परमिशन नहीं है, हालांकि विद्यालय मस्त है, प्राइवेट स्कूल है, एक से लेके 12वीं तक है। जैसा कि देख सकते हैं अभी दोपहर का समय है, और कॉलेज का छुट्टी भी हुआ है, मेन रोड है, मेरे साथ एक दोस्त भी है, और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, इससे हमारा मोटिवेशन और मजबूत होता है। देख सकते हैं कि अभी कॉलेज का छुट्टी हुआ है, और आप वीडियो पर बने रहना तक, आपको और भी अच्छे अच्छे कॉलेज दिखाएंगे, जगह दिखाएंगे। अभी संजय गांधी अभी जाएंगे, अभी आपको दिखाने वाले हैं, अभी यहाँ भीड़ है,
चलिए देखिए बने रहे दोस्तों। हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं संजय गांधी के मेन गेट की ओर। यहाँ देख सकते हैं संजय गांधी महाविद्यालय। इसमें बहुत सारे कोर्स है, ये शासकीय कॉलेज है। इसमें बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे कि आप जान सकते हैं बीए, एमए, एमकॉम, जो भी है आप जान सकते हैं। ये संजय गांधी का मेन गेट है, देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा है बिल्डिंग, शासकीय है। इसमें मान्यता प्राप्त है अभ्यास प्रताप एपीएस से, और इसमें अभी बहुत बच्चे भी हैं अंदर। हम लोग बाहर से देख रहे हैं, बाहर से आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे बिल्डिंग है इसका। ये देखिए कुछ बच्चे भी हैं अंदर। यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं और इधर मधुरी तरफ रोड जाता है दोस्तों। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, पढ़ाई भी होता है। ये हालांकि न्यू बिल्डिंग है, और आपको पुरानी बिल्डिंग दिखाएंगे दोस्तों, संजय गांधी पुरानी बिल्डिंग। इधर मधुरी तरफ जाता है रोड दोस्तों। वीडियो पर बने रहना और वीडियो पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और आपको दिखाएंगे अपना पुराना वाला बिल्डिंग संजय गांधी का, जिसमें कॉमर्स विभाग है। उसमें कोर्स है बीकॉम, एमकॉम, हालांकि उसमें और भी लगते थे, लेकिन जो और कोर्स है वो न्यू बिल्डिंग में आ गया, न्यू बिल्डिंग में। न्यू बिल्डिंग का हॉस्टल है ये, सही। हाँ ठीक बंद कर लेगा, पास चले तब चले। ठीक है, आप और अच्छे अच्छे जगह दिखाएंगे आपको अभी, पर ये पुराने बिल्डिंग पहुँच जाए। हेलो गाइस, ये है संजय गांधी पुरानी बिल्डिंग। ये सामने जो दिख रहा है ये संजय गांधी का गेट है, पुरानी बिल्डिंग है। इसमें ये बहुत पहले से बना हुआ है, इसमें कॉमर्स के जो है मतलब कॉमर्स, ये कॉमर्स विभाग का इस कॉलेज है। इसमें बीकॉम एमकॉम का कोर्स है, और हम यहाँ पर जाएंगे, जैसा कि मेरा एमकॉम है। ये उसका ग्राउंड है, देख सकते हैं बहुत शानदार तरीके से है, और उसके उस प्लस जहाँ आप देख रहे हैं उसके प्लस बहुत उस पार जो है बहुत बड़ा मैदान है, आपको दिखाएंगे मैदान भी। और अभी के लिए आप वीडियो पर बने रहें, अभी हम जाएंगे अंदर और इसके बाद आपको दिखाएंगे। चलो जी, चलो नहीं कुछ ना, ग्राउंड तक दिखा दिए, उसके बाद बंद कर दे वोट तक। ये वाला हाँ चलो। क्या कहा, जमा करके आते हैं? हाँ ठीक है, अभी हम जमा करके आते हैं, फॉर्म एडमिशन फॉर्म है। आप वीडियो पर बने रहना, नहीं उधर उधर थोड़ा अंदर तक वीडियो पर बने रहना, उसके बाद हम दिखाएंगे। जैसा कि अब अंदर जाएंगे तो हम वीडियो बंद कर देंगे, आप वीडियो पर बने रहना और भी दिखाएंगे इधर इधर। ठीक है, ये जैसे आप देख सकते हैं मस्त है। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग आ चुके हैं अंदर, अंदर का ये नज़ारा है, संजय गांधी पुरानी बिल्डिंग का ये अंदर का नज़ारा है। अभी कुछ क्लासें भी लगी हुई हैं, कुछ बच्चे हैं अंदर, कुछ में छुट्टी है, पीरियड समय होने वाला है, अभी दोपहर का समय है। ये देख अंदर से देख सकते हैं कैसा नज़ारा है। ये है आपको बाहर का नज़ारा दिखाएंगे, इस प्रकार दिखता है बाहर खिड़की से। वीडियो पर बने रहें दोस्तों, आपको दिखाएंगे और अच्छी अच्छी जगह है दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो पर बने रहना दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे और भी अच्छी जगह। ठीक है ना, ये है अंदर का नज़ारा, इस प्रकार अंदर की क्लासें इस तरह हैं। ठीक है दोस्तों, हेलो
दोस्तों अब हम निकल चुके हैं पुरानी बिल्डिंग संजय गांधी के बाहर। देख सकते हैं यह है पीछे का नज़ारा, संजय गांधी इस प्रकार दिखता है। और अब जा रहे हैं घर, घर नहीं अभी आपको और अच्छे अच्छे दिखाए देख जगह दिखाएंगे। और हो मार्केट हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, वीडियो पर बने रहना दोस्तों, है ना। चलिए ठीक है, ये इधर पूर्व साइड का ग्राउंड, कुछ लड़कियाँ, हाँ ये हमारे कॉलेज की लड़कियाँ हैं, कुछ लड़कियाँ, हाँ चलें अंदर, नहीं हो के जाने दो। ये है बाउंड्री उसका, संजय गांधी का, और इधर पश्चिम साइड है उसके प्लॉट, वो है मैदान दोस्तों। तुम इस प्लॉट को लो, इस प्लॉट मोबाइल पर भाग देता क्या होता है। हाँ ये है आप संजय गांधी का मैदान, और उस प्लॉट आप देख रहे हैं जहाँ, वो है पुरानी, हाँ न्यू बिल्डिंग है, आपको दिख रही है न्यू बिल्डिंग। अब वहाँ पर जाएंगे, चलें उधर, अब वहाँ पर हम नहीं जा सकते, आपको पिछली बार दिखा चुके हैं। अब जैसे देखते हैं हम मेन रोड में हैं और गाड़ियाँ भी बहुत आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये है मैदान संजय गांधी का, वीडियो पर बने रहना, आपको और भी दिखाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से दिख रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को बने रहना, आपको अच्छी जगह दिखाएंगे। हाँ कुछ कहा था नहीं, बहुत बड़ी वाला खुलकी वाला देखा। यह है संजय गांधी का न्यू जो बन रहा है मकान, बिल्डिंग बन रहा है भाई, उसके अंदर हम नहीं जा सकते, हाँ देख नहीं सकते। यहाँ जब छुट्टी हुई है, यहाँ सब खा रहे हैं चार फुलकी। अभी हम जाएंगे उस पार, थोड़ा वीडियो बंद कर देते हैं हम दोस्तों, चले और आगे सही रास्ते नहीं खवाई, कहाँ खबा एक दिन चला ऊँच यहाँ पर दोस्तों। क्या है गणेश चतुर्थी गणेश, नहीं हम उसके आगे निकल चुके हैं, अभी फिर से जाएंगे उधर आपको दिखाएंगे। हालांकि बस स्टैंड में तो और भी बड़े है ना, बड़े रखे हुए हैं, वहाँ पर भी दिखाएंगे। पिछली बार हम वहाँ गए थे तो लेकिन दिखा नहीं पाए, अभी हम दिखाएंगे कुछ देर बाद, अगर पहुँचते हैं तो, मतलब पहुँचेंगे तो वहीं पर, लेकिन वहाँ पर वीडियो अगर बनाएंगे तो दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं यहीं पर, यार बहुत ज़्यादा दूर ना जाओ। Yeah.